इंदौर से खबर, सब्जी बेचने वाली की बेटी अब जज बनेगी। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता नागर ने सिविल जज की परीक्षा पास कर ली है। सब्जी बेचने के साथ साथ वो पढ़ाई भी करती थी और एक बड़ी उपलब्धि उसको हासिल हुई है। अंकिता के माता पिता भी सब्जी बेचने का ही काम करते हैं। मूसाखेड़ी सब्जी मंडी में सब्जी बेचती थी अंकिता नागर। और हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हेमंत, यहाँ पर अंकिता ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये दर्शाता भी है कि कोई भी काम अगर पूरी लगन के साथ किया जाए, पूरी लगन के साथ और मन के साथ किया जाए, वो ज़रूर हासिल भी होता है। देखिए, बिल्कुल कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ऐसे ही हौसला रखने वाली जो इंदौर की अंकिता हैं, वो यहाँ पर अक्सर सब्जी का ठेला जो उनके माता पिता है वो लगाते हैं। यहीं पर अंकिता बैठकर पढ़ाई करती थी। दिन दिन भर उन्होंने पढ़ाई भी की, इसके साथ साथ यहाँ पर माता पिता का सब्जी बेचने में और घर चलाने में भी पूरा साथ दिया है। अभी भी आप देख सकते हैं परीक्षा पास करने के बावजूद भी वो यहीं पर ठेले पर खड़ी हुई हैं और अपनी माँ का जो है वो सहयोग यहाँ पर करती नज़र आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा था कि जब वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने गई थी तब उनके पास में एग्ज़ाम के फॉर्म के पैसे तक नहीं थे और लॉकडाउन के समय में माँ ने ठेला लगाकर उनका फॉर्म के पैसे जुटाए थे। अंकिता से ही बात कर लेते हैं हम सीधा। अंकिता, कैसा महसूस कर रही हैं अब सिविल जज आप बन गई हैं? सर, बड़ी खुशी हो रही है सिविल जज बनकर। अभी तो अपनी खुशी का ठिकाना नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक सपना सच होकर मेरे सामने आ गया है। अच्छा, आप अक्सर जैसे देखते थे हम लोग भी यहाँ से निकलने का रास्ता होता था, आप कई बार यहाँ पर किताब लेकर पढ़ाई करा करती थी, पढ़ाई यहीं पे बैठती थी, कैसे आपने यहीं बैठकर पढ़ाई की, तैयारी की और आज हौसला जो है आपका बुलंदियों तक पहुँच गया? पढ़ाई में तो सब हो जाता है, अगर हम करने बैठते तो सब होता है। कुछ समय यहाँ पर, कुछ समय कहीं बाहर, जैसे घर पे या नहीं हो पाता तो लाइब्रेरी नहीं होती तो किसी गार्डन में, पार्क में इसे पढ़ लेते थे। कितने समय आपने लगातार तैयारी की थी 2019 की जो सिविल जज की परीक्षा थी? कंटिन्यू मैंने 4 साल तक अच्छे से तैयारी करी थी। वो अभी लॉकडाउन में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो पाई थी क्योंकि कोई बिना कोई डिस्टर्बेंस होता था और ऑनलाइन क्लासेस भी रहती थी, टीचर से भी पर्सनली टॉक हो जाता था और यूट्यूब से भी पढ़ लेती थी मैं। तो उसी टाइम पे मेरे को मतलब पता चला था कि मेरी क्या कमी है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसी पे मैं करती थी, तो मैंने उसी से प्रिपेयर कर पाई थी अपना सब। लॉकडाउन में कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थितियाँ वो भी ख़राब हुई थी, आपकी भी आर्थिक स्थिति ख़राब हुई होगी, इस बीच कैसा माहौल रहा था, कैसे आपने पढ़ाई में ध्यान लगाया? सर, पढ़ाई में तो था कि अब सब्जी वगैरह तो मिल नहीं पाती थी खाने पे, तो अधिकतर दाल ही रहती थी, खा लेते थे और सुबह से शाम तक टाइम, ना कहीं जाना था ना कहीं आना था, तो उस टाइम तो बहुत भरपूर समय मिला मुझे, तो उस टाइम अच्छे से पढ़ाई हुई फिर। अच्छा, एक समय ऐसा भी आया था जब आप परीक्षा की तैयारी तो कर ही रही थी लेकिन फॉर्म भरने के पैसे भी आपके पास में नहीं थे, तो उस समय कैसे आपने पैसे जुटाए थे? उस टाइम था लॉकडाउन खुला ही था और पैसे मतलब मम्मा ने 500 रुपये फीस दी थी कि फॉर्म भरने के लिए थे, तो वो नहीं हो पा रहा था, तो मम्मी से बोला मैंने कि इतने कम में तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने बोला कि मम्मी इतने में तो नहीं हो पाएगा फॉर्म का, तो मम्मी ने बोला कि शाम तक रुक जाना, तो फिर उन्होंने फिर काम करके फिर मुझे पैसे दिए थे। काफ़ी मेहनत से जो है उनकी माता जो है उन्होंने उनका फॉर्म जो है वो भरवाया था, उनकी माँ भी हमारे साथ में मौजूद है। कितनी खुशी हो रही है आज बेटी जो है आपकी इतनी मेहनत के बाद सिविल जज बन गई? खुशी हो रही, बहुत बहुत खुश है आप तो। बेटी ने जीवन सफल कर दिया आप तो। कितने समय से आप सब्जी का ठेला लगाता हूँ? मैं 28 साल से लगाती हूँ, तो बराबर मूसाखेड़ी भी नहीं बसी थी जब से लगाती हूँ। तो 28 साल से लगातार जो ठेला यहाँ पर लगा रहे हैं, उनके पिता जो हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज आपकी बेटी जो है सिविल जज बन गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है सर, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। उसकी तैयारी के पीछे कितनी आपने मदद की है? कई बार वो यहाँ पर भी पढ़ाई करती थी सब्जी के ठेले पे भी, आपने बताया रात रात भी पढ़ाई करती, तो कितनी मेहनत आपने उनके पीछे की है कि वो भी पढ़ाई कर रही थी, उनके पीछे आपकी भी मेहनत कहीं ना कहीं है? मेहनत तो सब सभी की मेहनत है क्या, क्योंकि कंधे से कंधा मिला के तो काम करा बच्ची ने हमारे साथ में। पर क्या है कि कई लोगों का ऐसा उद्देश्य रहता है कि जैसे कि यार लड़की है इसको क्या पढ़ाओ, अरे मेरे लिए तो लड़की क्या बहू क्या बच्चे के सब एक बराबर है सर। और इनके पीछे मैंने संघर्ष तो बहुत किया, मेरे जीवन में पूरा संघर्ष ही निकल गया जब ये छोटे थे, जब से संघर्ष करता आ रहा हूँ सर। खैर, अब संघर्ष के दिन जो है वो ख़त्म भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं,
जो माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है, कई बार देखने में आता है कि छोटी उम्र में ही बच्चियों की शादी कर देते हैं, ऐसे माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसा मैं महसूस करता हूँ कि मैंने मेरी बच्ची को पढ़ाया लिखाया, ऐसे हर माँ बाप से यही उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी बच्ची को पढ़ाए और बेटा बेटी को बराबरी का दर्जा दे। अंकिता, अक्सर देखने में आता है कि बच्चियों की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती है, उनको पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, और लड़कियां जो अगर पढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही कर दिखाती हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप ऐसे माता पिता को? मेरे को उनसे यही कहना चाहूंगी कि पहले प्यार अपनी बेटी को मौका देकर तो देखिए, क्या पता वो क्या कर जाए। बेटों को तो सभी को मौका मिलता है, तो बेटियों को भी एक बार अवसर, एक ही बार दो, क्योंकि एक ही बार में कमाल कर देंगे, मिलना चाहिए अवसर तो सबको। तो देखिए, ये जो कमाल है वो इंदौर में सब्जी बेचने वाले की एक बेटी का कमाल है, जो काफ़ी मेहनत के बाद में दिन भर यहाँ पर पढ़ाई कर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जी बिल्कुल 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 हेमंत, क्योंकि यहाँ पर इनको ज़रूर मिला है। बहुत शुक्रिया हेमंत आपका जुड़ने के लिए।